हैं आप? कितना? आप क्या बने हैं? राधा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। एस एस आई टू में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं जमिंदर सिंह लड्डू। इस वक्त मैं बैंक कॉलोनी का ये श्याम मंदिर है, रानी सती मंदिर का ये, और ख़ास बात यह है कि इस बार पूरे पटना में धूमधाम से श्री कृष्णाष्टमी मनाई जा रही है। ये नज़ारा हम चलकर दिखलाते हैं कि क्या दृश्य, क्या मन को मोह लेने वाला ये दृश्य अलौकिक श्रृंगार किया गया है। और पूरे धूमधाम से, चाहे वो पटना का मंदिर हो या फिर पटना सिटी का मंदिर हो, तमाम मंदिरों में पूरे धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जैसे कहा जाता है कि जय कन्हैया पालकी और हाथी घोड़ा पालकी, ये कहा जाता है। और ख़ास करके आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमाम भक्त मंडल का जो है, बैंक कॉलोनी रोड है पटना का, विश्वकुमार कॉलोनी के पीछे का है, राधा कृष्ण का जन्म मनाने के लिए पूरे धूमधाम से यहाँ पर का ये नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत सा ये दृश्य आप देखेंगे, मन को मोह लेने वाला ये दृश्य। और इधर का जो श्रद्धालु जो है, तमाम भक्तगण है राधे कृष्ण का नाम लेने के लिए, जय कन्हैया पालकी और हाथी घोड़ा पालकी का ये एक साथ में नारा है, मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम का ये दृश्य भक्तिमय है। यहाँ पर बाबा जो है गायक है, बुजुर्ग गायक है, ये अपने गाने में पूरा मग्न है। ये सिर्फ एक मंदिर का नहीं बल्कि पटना से लेकर पटना सिटी तक का तमाम मंदिरों में राधा कृष्ण का अलौकिक दृश्य पूरे धूमधाम से मनाई गई। इस वक्त है महाराणा प्रताप भवन में, यहाँ का अलौकिक दृश्य और गीत संगीत के जरिए तमाम भक्त एक साथ कृष्णाष्टमी मना रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को जब देखेंगे तो बिल्कुल उत्साह के साथ में मना रहे हैं, यहाँ पर टोटल लोग एक साथ में मना रहे हैं। और ये दृश्य पटना से अगर देखेंगे तो पटना से लेकर पटना सिटी तक का तमाम दृश्य जो है जन्माष्टमी के ये धूमधाम से ये पर्व मनाई जा रही है। किसका यहाँ पर जो देख सकते हैं बांसुरी लिए हुए एक बहुत ही भव्य मुस्कान के साथ में, यहाँ पर तमाम गायक की टीम आई हुई है, तमाम भक्त एक साथ में उत्साह के साथ में कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए कुछ और दृश्य हम आपको दिखलाते हैं। पटना सिटी के सत्यनारायण मंदिर में है, यहाँ भी भक्तों की परंपार दर्शन करने के लिए राधा कृष्ण के, यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं लड्डू गोपाल बिल्कुल एक नन्ना सा लड्डू गोपाल बांसुरी लिए हुए हैं, और एक प्यारा सा जिस तरह का जो कृष्णा जी जो बचपना जो बीता था उसी के अंदाज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तमाम बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ, ये देखिएगा ये दृश्य, ये देखिएगा ये तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इनकी वेशभूषा अगर देखेंगे तो बहुत महत्व है, खास करके लड्डू गोपाल के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। जो बने हैं वो बचपना जो है यहाँ का भी आप ये देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
सजे हुए हैं, तरह तरह के अपने वेशभूषा में है। और ये जो वेशभूषा जो होता है लड्डू गोपाल का, यहाँ का दृश्य, सत्यनारायण मंदिर का, श्रद्धालुओं की भीड़, और एक पटना से अगर देखा जाए तो पटना का शक्ति धाम और श्याम बाबा भक्त का वहाँ महाराणा प्रताप भवन, इस्कॉन मंदिर, फिर अगर पटना सिटी अगर आते हैं तो सत्यनारायण मंदिर, श्याम बाबा, और फिर और भी बहुत सारे मंदिर जो हैं वहाँ का भी दृश्य हम आपको, नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम जो भी आप श्रद्धालु जो देख रहे हैं, बहुत सारे जो है लड्डू गोपाल के रूप में बचपना जो है कृष्ण का, कृष्ण की भूमिका में है। यहाँ देख ये जगह देखिएगा, ये देखिए, बिल्कुल प्यारा सा और ये खूबसूरत सा ये दृश्य आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कृष्णा जी अगर हैं तो राधा जी, तो जाहिर सी बात है कि राधा जी भी रहना जरूरी है। तो राधा कृष्ण की जोड़ी है, और आज जो पूजा जो किया जाता है, जो जन्म मनाया जाता है, वो राधा कृष्ण की जोड़ी है, उसी का एक शानदार रूप से मनाई जा रही है, पूरे देश भर में मनाया जा रही है। अपना पटना में अगर, मथुरा में अगर देखा जाए तो मथुरा में जिस तरह का जो पूजन किया जाता है, उस तरह का ये पटना सिटी और पटना में भी किया जाता है। चलिए कुछ और दृश्य और नज़ारा हम आपको दिखलाते हैं। इस वक्त दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में है, यहाँ भी कृष्णा जी का, राधे कृष्ण जी का यहाँ पर सजा हुआ है। ये खूबसूरत सा ये दृश्य है, और पूरे अगर देखेंगे तो पटना सिटी में, पूरे शहर में एक साथ में धूमधाम से लोग कृष्णाष्टमी मना रहे हैं। यहाँ पर जो सजावट जो देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रूप से यहाँ पर सजा हुआ है। और ये जो है हिंदू का जो है महत्वपूर्ण पर्व आता है कृष्णाष्टमी का। यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर बैंड है, मिट्टी का खिलौना, जी हाँ मिट्टी का खिलौना अभी भी यहाँ पर है, और यहाँ पर मोर से सजाया हुआ है। चलिए कुछ और दृश्य हम आपको दिखलाते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाकर वहाँ का नज़ारा, वहाँ का अलौकिक दृश्य मैं दिखलाता हूँ। पटना सिटी के श्याम बाबा मंदिर में है, यहाँ का भी नज़ारा इसी तरह का, पूरे श्याम भक्त एक साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या हो छोटे क्या हो बड़ा। और यहाँ पर ये भजन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये तमाम अगर देखेंगे तमाम श्रद्धालु एक साथ में यहाँ पर नज़ारा आता है। श्याम बाबा का ये द्वार पड़ा हुआ है, और तो नन्हे मुन्ने श्याम बाबा श्याम भक्त के दरबार में आए, पूरे पटना से लेकर अगर पटना साहिब में अगर देखेंगे, ये द्वार आरती का समय अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ श्रद्धालुओं के मन में एक उत्साह है। आज श्याम बाबा का जो कि राधा कृष्ण का आज जन्माष्टमी का ये जन्म है, पूरे उत्साह के साथ में यहाँ पर मनाई जा रही है, और पूरे धूमधाम से, चाहे वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो भी अपना बिहार, अपना पटना साहिब का है, ये दृश्य एक साथ जयकारों के संग में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए, चाहे महिलाओं की टोली हो या फिर पुरुषों की टोली हो या फिर भजन कीर्तन के संग में हो, एक साथ में ये ताली बजाने का ये दृश्य, एक साथ में कार्यक्रम करने का मौका मिला है। हम आपसे विदा लेते हैं, जय श्री कृष्ण।